नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिकॉज़ एनसीसी डेज वर सम ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट डेज ऑफ माय मेमोरीज। द मॉर्निंग परेड एंड द सेंट्री ड्यूटी एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, that discipline that has been put into me has been there throughout till date, and it has helped me accomplish a lot of things in life. It has really helped me accomplish a lot of things in life, and it has given me the discipline to step forward when I need to and step back when I need to. That is something I learned in NCC, how to do my best and step forward when opportunity comes and step back to understand whether it is an opportunity or not. Trust and fail forward in NCC. That is something I learned, because I went to the Talsena camp and I was not selected. I was among the rejected candidates. So when I got rejected, I couldn't take the failure then. But that failure taught me to strengthen myself up, fail fast, fail forward, and become a better version of myself. And I see that in everyone sitting over here. We have all गुड मॉर्निंग, आई एम एयर कमांडर महेश्वर। मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूँ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट का। आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं अपने एलुमनाई लोगों के साथ, एनसीसी के एलुमनाई लोगों के साथ। आज हमारा उद्देश्य या हमारा एम ये था कि हम ये अपना जितने भी पुराने एनसीसी कैडेट्स हैं और एनसीसी के ऑफिसर्स थे, उन सब का एक एसोसिएशन बनाया है हमने। उनके हमारे प्रमुख जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, जो एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। इस एनसीसी एलुमनाई का उद्देश्य यह है कि हम इन एलुमनाई के जरिए हम बाकी बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो आके एनसीसी ज्वाइन करें। एट द सेम टाइम हमको बताना चाहते हैं कि एनसीसी के दौरान की ट्रेनिंग में आप जो डिसिप्लिन सीखते हैं उससे उनको क्या मदद मिलेगी कि अपने करियर में, अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर सकें, उसकी ये एक उद्देश्य था। तो हमने ये सोचा कि ये एनसीसी डे जो आज है, लास्ट संडे जो नवंबर का होता है, वो हर बार एनसीसी डे होता है, उस दिन हम अपने एलुमनाई को बुलाएंगे इस बार और उन सबको फेलिसिटेट करते हुए उनसे बात करेंगे और उस एलुमनाई एसोसिएशन को हम थोड़ा मजबूत करेंगे। इसलिए आज पहली बार हमने एलुमनाई एसोसिएशन को यहाँ बुलाया है और इन सब से हम उनसे बात करके उनका एक नेटवर्क बनाएंगे। एनसीसी अगले साल उसके 75 साल हो जाएंगे, तो आज से अगले साल तक हमारे इसमें काफ़ी कार्यक्रम है। इस साल आंध्रा में हमने काफ़ी ब्लड डोनेशन किया है। उस अगले 15 दिन में एक यूनिटी रन एक हो रहा है जो कन्याकुमारी से चालू हो चुका है। वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक हमारे कुछ ऑफिसर्स और कुछ कैडेट्स, कुछ पीआई स्टाफ भाग रहे हैं कन्याकुमारी से दिल्ली तक। वो अपने आंध्रा एंड तेलंगाना के थ्रू भी जाएंगे, तो इनके साथ साथ इस स्टेट्स में कुछ बच्चे भी भागेंगे। ये एक सॉलिडारिटी रन है। इसी तरह अगले वर्ष हमारा एक उद्देश्य है कि हर बच्चा एटलीस्ट हमारे डायरेक्टरेट में एक प्लांट को प्लांट करे और बोए। सो वो भी एक बड़ा उद्देश्य है। उससे करीब तकरीबन दोनों स्टेट्स में मिला के हम करीब 1,20,000 के करीब प्लांट भी करेंगे। ऐसे काफ़ी कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जो एनसीसी के बच्चे हैं इस ट्रेनिंग के दौरान अच्छी सीख लेके जाएं, अच्छा डिसिप्लिन सीखें और अपनी लाइफ में बड़े सक्सेस हों।